हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस को। ये है पार्ट थ्री, या कहें तो थर्ड मॉक टेस्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड का, स्पेशली फॉर NVS, KVS एंड अदर टीचिंग एग्जाम्स। स्टार्ट करेंगे, इन 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आपके कितने ठीक होते हैं वो आप कॉमेंट सेक्शन में बताएं। ये डिस्कशन आपको पसंद आए, ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, आगे शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर पहली बार देख रहे हैं तो। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो एक क्वेश्चन है, इफ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास आर वीक यू शुड। अगर ज्यादातर लोग, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं आपकी क्लास में, वो कमजोर हैं तो आपको क्या करना चाहिए एज अ टीचर। फर्स्ट इज नॉट केयर अबाउट द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। आप जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में केयर नहीं करेंगे, उनके बारे में नहीं सोचेंगे, सिर्फ और सिर्फ वीक स्टूडेंट्स के बारे में आप सोचने लग जाएंगे, उनकी बेहतरी के लिए, उनके रेमेडियल वर्क के लिए आप सोचने लग जाएंगे। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को या गिफ्टेड स्टूडेंट्स को आप साइड कर देंगे। या फिर कीप योर स्पीड ऑफ टीचिंग फास्ट सो दैट स्टूडेंट्स कॉम्प्रीहेंशन लेवल में इंक्रीज। जो आपकी स्पीड है टीचिंग की उसको आप फास्ट रखेंगे कि कॉम्प्रीहेंशन लेवल जो कमजोर बच्चे हैं उनका भी अपने आप सुधर जाएगा अगर आप तेजी से बोलेंगे। या फिर कीप योर टीचिंग स्लो, अपनी टीचिंग को स्लो रखेंगे। या फोर्थ ऑप्शन, कीप योर टीचिंग स्लो अलॉन्ग विथ सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट पीपल्स। मतलब कि आपकी जो टीचिंग है आप उसको स्लो रखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस देंगे किसको, जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक्स्ट्रा काम रखेंगे, उनके लिए एक्स्ट्रा गाइडेंस रखेंगे और टीचिंग का जो पेस है उसको थोड़ा स्लो लेकर चलेंगे क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे हैं वो वीक हैं। तो बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, अ टीचर हु इज नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज स्टूडेंट शुड। एक टीचर, एक अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों की जो अटेंशन है उसको ड्रॉ नहीं कर पा रहा, उसको क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज evaluate his teaching method and improve it, अपने teaching method का आंकलन करे और improve करे उसको। या फिर find fault in his pupils, अपने pupils में faults को निकाले, उनमें गलतियों को ढूंढे। या फिर resign from the post, resign कर दे अपनी post से। या start dictating, या फिर authoritative बन जाए या सत्ताधिकारी बन जाए, dictate करने लग जाए। क्या एक सही आंसर होगा यहाँ पर भाई? अगर एक टीचर अटेंशन ड्रॉ नहीं कर पा रहा अपने बच्चों की, अपने स्टूडेंट्स की, तो उसको अपने टीचिंग मेथड को इवेल्युएट करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि क्या कमी है और किस तरह से वो लर्निंग को बेहतर करा सकता है जो लर्नर्स हैं उसके आसपास या जिनको वो पढ़ाता है, जिनकी अटेंशन उसको नहीं मिल पा रही, रेडीनेस क्यों नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, द बेस्ट वे टू एनकरेज अ टीचर हु वर्क्स विद कंप्लीट डेडिकेशन इज टू। मतलब एक बेस्ट तरीका क्या हो सकता है एक टीचर को एनकरेज करने का, यदि जो एक ऐसा टीचर है जो बहुत डेडिकेशन के साथ काम करता है, बिल्कुल मोटिवेटेड है टीचिंग को लेकर के, डेडिकेटेड है। गिव हिम अ प्राइज, एक प्राइज आप उसको दे देंगे। या फिर एक एडवांस इंक्रीमेंट दे देंगे सैलरी में। या फिर अरेंज अ फेलिसिटेशन फंक्शन एंड फेलिसिटेट हिम, उसको बधाई जैसा एक समारोह रखेंगे और बधाई देंगे। या प्रेज हिज वर्क फ्रॉम टाइम टू टाइम, या समय समय पर प्रेज करते रहेंगे। तो इस स्थिति में क्या आंसर हो सकता है आप खुद सोचें। अगर कोई टीचर फुल्ली डेडिकेटेड है और आपको उसके काम को एनकरेज करना है तो आपको एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम या फंक्शन अरेंज करना चाहिए। आपका जो गवर्नमेंट है या राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया जाता है बहुत सारे जो अध्यापक हैं उनको, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बधाई का पात्र है वो शिक्षक और उसको बधाई दी जानी चाहिए एक समारोह में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, अ टीचर इन द क्लास शुड कीप द पिच ऑफ हिज वॉइस व्हाट। मतलब जो एक टीचर की जो पिच है आवाज की उसको कैसा रखना चाहिए, लो रखे वो, मॉडरेट रखे क्लासरूम में, हाई इनफ, या समटाइम लो एंड समटाइम हाई। खुद सोचें यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल एक जो टीचर है उसको अपनी जो वॉइस की पिच है उसको मॉडरेट रखना चाहिए, ना बहुत ज्यादा हाई ना बहुत ज्यादा लो, मॉडरेट, जिससे कि सभी बच्चे जो हैं वो सुन पाए, एक तरह से ऑडिबल हो वो अपने क्लासरूम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, इफ रिमार्क्स आर पास्ड बाय स्टूडेंट्स ऑन यू एज अ टीचर यू विल। भाई अगर आप पर रिमार्क्स पास होते हैं किसी एक स्टूडेंट के द्वारा तो आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर सिक्स है, यहाँ पर मार्किंग गलत हो गई है, तो क्या करेंगे इस स्थिति में आप। फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सपेल देम फ्रॉम द स्कूल, उनको स्कूल से निकाल देंगे। बी इम्पार्शियल एट द टाइम ऑफ एवेल्युएशन, एवेल्युएशन के टाइम पर आप इम्पार्शियल रहेंगे। या फिर पनिश देम, उनको पनिश करेंगे। या टेक रिवेंज वाइल इवेल्युएटिंग इंटरनल टेस्ट कॉपीज, या आप रिवेंज मतलब बदला लेंगे ऐसे व्यक्ति से, ऐसे जो स्टूडेंट से जिसने आपके साथ मिसबिहेव किया हो और इंटरनल असेसमेंट में उसको कम नंबर देंगे। ऐसा आप कुछ नहीं करेंगे एज अ टीचर, आप हर स्थिति में पार्शियल नहीं रहेंगे, इम्पार्शियल रहेंगे। जैसे एक डॉक्टर अपने मरीज का इलाज करता है उस टाइम पर वो पार्शियलिटी नहीं लाता, उसी तरह से आप भी इम्पार्शियल रहेंगे किस टाइम पर, आकलन के समय पर किसी से भी अपनी पर्सनल दुश्मनी नहीं निकालेंगे, बच्चों को बच्चे ही समझेंगे। तो जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन है ये,
If a teacher is not able to answer the question of a pupil, he should. अगर एक टीचर एक बच्चे के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं कर पाता तो उसको क्या करना चाहिए? Say that the question is wrong. उसको ये कहना चाहिए क्वेश्चन ही गलत है. Rebuke the people. भाई फटकार लगा देगा जो अपना विद्यार्थी है उसको. या say that he will answer after consultation. या फिर ये कहेगा कि वो consultation के बाद उसको answer करेगा. या feel shy of his ignorance. अपनी ignorance के प्रति क्या रहेगा, शर्मा जाएगा ये चीज को देखते हुए. तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि ये कहेगा कि भाई मैं कंसल्टेशन के बाद आपको बताऊंगा, इसके विषय में मुझे जानकारी नहीं है. तो ये एक बात हुई. और इस स्थिति में अगर एक और ऑप्शन होता तो आप आसपास की जानकारी जितनी आपको पता है उसको भी डिस्कस कर सकते हैं. अदरवाइज तो आप कंसल्ट करें और वेरीफाई करें उस अपने एक टॉपिक को, क्योंकि आप सर्वज्ञ तो नहीं हो सकते, आपको सब कुछ तो पता हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कहीं तो आप अटक सकते हैं. तो जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हुआ. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. A teacher is expected to do all except. एक टीचर सब कुछ कर सकता है except. अब ये क्वेश्चन नंबर 8 होना चाहिए यहाँ पर राइट आंसर. फर्स्ट इज टेकिंग इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स. एक टीचर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले सकता है या नहीं. हेल्प pupils टू सॉल्व their प्रॉब्लम्स. जो उसके विद्यार्थी हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इंटरेस्ट ले. स्पॉन्सर क्लब्स एंड अदर स्कूल अफेयर्स. या फिर पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी एक्टिविटीज. खुद सोचें यहाँ पर सही आंसर क्या होगा. तो बिल्कुल जो ए ऑप्शन है एक्सेप्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो, कि टीचर के द्वारा एक्सपेक्टेड है क्या नहीं करना. तो क्या देखें अगर हम यहाँ पर टेकिंग इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स इसका सही आंसर होगा कि भाई एक टीचर राजनीति में इंटरेस्ट ले ये कोई बहुत अच्छी बात होगी नहीं. मतलब ये एक्सपेक्टेड नहीं है एक टीचर से, एक शिक्षक से. शिक्षक का काम है मार्गदर्शन करना और बाकी की तीन चीजों में वो इन्वॉल्व रहे तो ज्यादा बेहतर कर पाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. टीवी इज सुपीरियर टू रेडियो एज अ टीचिंग एड बिकॉज इट. भाई जो आपका टीवी है वो सुपीरियर है रेडियो से, ज्यादा बेहतर है टीचिंग एड की तरह. क्यों? क्योंकि इज जनरली लाइक बाय pupils. pupils को ज्यादातर पसंद आता है. इनवाइट्स टू senses, हियरिंग एंड विजन साइमल्टेनियसली लीडिंग टू मोर एक्यूरेट फॉर्म ऑफ लर्निंग. जो आपके दो तरह के senses हैं देखने और सुनने के, दोनों को साइमल्टेनियसली समानांतर रूप से इंक्लूड करता है और ज्यादा एक्यूरेट लर्निंग हो पाती है. कॉस्टली है या सभी इसका सही आंसर होगा. तो जो बी ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है. तो जितने ज्यादा सेंसेस आपके जो लर्नर्स हैं उनके इन्वॉल्व होंगे पढ़ते समय, उतना बेहतर वो सीख पाएंगे. तो जो टीवी है, जो टेलीविजन है, वो बेहतर है रेडियो से इस बेसिस पे कि रेडियो में सिर्फ बच्चे सुन पाते हैं, एक ही सेंस का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन टीवी में क्या है, टीवी में वो देख भी पाते हैं, सुन भी पाते हैं और इमेजिनेशन भी है. तो जो बी ऑप्शन है इसका सही आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 9 का. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है ये टेक्निकली. ड्रॉप आउट्स आर मोर लाइकली टू बी. जो ड्रॉप आउट्स हैं उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं? ड्रॉप आउट्स मतलब जो बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं, अपनी जो शिक्षा है अधूरी छोड़ देते हैं. फर्स्ट इज एंगेज्ड इन एंटी सोशल बिहेवियर. वल्नरेबल टू द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक असिस्टेंस. या अनएम्प्लॉयड. तो या फिर ऑल ऑफ दीज. तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज है. क्यों है? क्योंकि जो ड्रॉप आउट है किसी भी कारण से, जो शिक्षा बीच में छोड़ करके जा रहा है बच्चा, हो सकता है कि वो बाद में जाकर के एंटी सोशल बिहेवियर में इन्वॉल्व हो जाए. जो पब्लिक असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है वो भी उसको जरूरत पड़े और अनएम्प्लॉयड या हो सकता है एम्प्लॉयमेंट भी ना मिले आगे. तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो सकता है. भाई मोर लाइकली की बात है ना, ऐसा तो नहीं है कि पक्का यही होगा हर केस में, लेकिन ऐसा हो सकता है. नेक्स्ट है इफ अ हाई कास्ट टीचर अडॉप्ट्स अ डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड टुवर्ड अ लो कास्ट स्टूडेंट हिज बिहेवियर इज. भाई एक जो हाई कास्ट का टीचर है, कोई उच्च वर्ग का टीचर है, वो अपने जो एक ऐसा स्टूडेंट है जो लो कास्ट को बिलोंग करता है उसके साथ डिस्क्रिमिनेटरी, मतलब कि विभेद करता है उसके साथ, पार्शियलिटी करता है ऐसे बच्चे के साथ, तो आप क्या करेंगे? ये जो बिहेवियर है ये जस्टिफाइड है या नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू हिज रिलीजन. उसके रिलीजन के हिसाब से सही है. नॉट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट नहीं है, ये सही बात है. या फिर अगेंस्ट द नेशनल स्पिरिट एंड नीड ऑफ द आर. जो नेशनल स्पिरिट है उसके अगेंस्ट है ये बात, और जो नीड ऑफ द आर है उसके भी अगेंस्ट है. या फिर नॉट अगेंस्ट द कोड ऑफ टीचर्स प्रोफेशनलिज्म ऑफ यूनेस्को. या यूनेस्को ये कहता है कि भाई आप कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं. तो बिल्कुल सीधा आंसर है यहाँ पर कि अगेंस्ट है नेशनल स्पिरिट, मतलब जो राष्ट्र की एक स्पिरिट है, एक स्पिरिट कहें, एनर्जी कहें, और जो नीड है एक समय की जो आवश्यकता है उसके हिसाब से भी ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है. और अगर हम देखें ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप किसी में भी विभेद ना करें. हम तो भारत में क्या करते हैं, हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं, मतलब विभिन्नता में एकता है. तो हम विभेदीकरण नहीं कर सकते, किसी को भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते किसी भी बेसिस पर, कास्ट हो, चाहे उसका इकोनॉमिक स्टेटस हो, हाइट हो, कुछ भी हो, दिखने में रंग भेद के बेसिस पर हम नहीं करेंगे. तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है. तो ये थे कुछ 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन हो गए थे टेक्निकली, ये एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा था.
तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, ये डिस्कशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार देख रहे हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस वॉज इमांशी साइनिंग ऑफ। ऑल द वेरी बेस्ट।